गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज पंचायत ऑडिटर का एग्ज़ाम था पोस्ट कोड 760 का, और उसके आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ये उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो इस पैटर्न को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न था मैक्सिमम उसमें काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ बुक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसको अगर आप देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो HPSSC वहीं से पूछता है। तो जल्दी से चलते हैं आंसर की के ऊपर, और इसमें एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे अलग अलग सब्जेक्ट के, उनसे मैंने बात करने के बाद ही जो है वो इसे तैयार किया गया है। और कुछ ही क्वेश्चन जो नहीं मुझे कन्फर्म थे, उनको मैंने नहीं बताया है। तो क्वेश्चन नंबर वन, शिमला के अनाडेल में किस वर्ष महारानी विक्टोरिया के सम्मान में बाईस रायगिल नृत्य जो है वो आयोजित किया गया। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर अभी नहीं मिला है, लेकिन 139 जो है वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ए। क्वेश्चन नंबर टू, हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय जो है वो थियोग में था, इसका वी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा जो है वो बुशहर का राजा शमशेर सिंह था, थ्री का ए होगा। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित बना, क्वेश्चन नंबर फोर का वी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का, हिमाचल प्रदेश में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये खोला गया है, तो इसका पाँच का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जो है ये आपका ये सभी बैंक है, इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की का जो है वो दायित्व दिया गया है, तो ये सभी आएंगे, डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सात, एक इंस्टीट्यूट है, ए आएगा, अदरक विकास स्टेशन एक है इसका, सात का ए। क्वेश्चन नंबर आठ, भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो ज्यूरी में है, इसका ए आएगा, आठ का ए। नाइन का वी आएगा, ये जर्मनी की सहायता से बना है। क्वेश्चन नंबर टेन, न्यायिक श्रम न्यायिक औद्योगिक अधिकरण जो है वो दो हैं, दस का ए। इलेवन का, जाहू में ये स्थित किया गया है, 4 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने की बात हुई थी, इलेवन का ए। ट्वेल्व का, हिमाचल पर्यटन निगम, तो ये काफ़ी ढूंढने की काफ़ी बुक्स को इसमें देखा, और उसके बाद जो है क्योंकि HRTA की स्थापना इसके आसपास हुई थी, तो इसका आंसर जो वो 1972 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 13 का जो है वो बी आएगा। 14 का, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग औद्योगिक, ये आई थिंक सोलन वगैरह में है सारे के सारे, तो बद्दी में ये होगा, 14 का ए। 15 का जो है वो दो वर्षों के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंशन हुई है इसकी, ये जो फंड था आपका, तो इसका बी आएगा। 16 का, इसका जो आपका ये जो अध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कोविड, अमिताभ कांत, इसका आंसर है 16 का बी। 17 का, ये USA में मिला है, न्यूयॉर्क में बात, ए आएगा। 18 का आपका मालदीव में है, ये डी, मालदीव को सप्लाई किया था, 18 का डी। 19 का सी। 20 का, किस राज्य में हाल ही में पढ़ने में अक्षम बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पुस्तक तैयार की गई, उत्तर प्रदेश, 20 का ए। 21, 21 का, अरुणाचल प्रदेश में है ये, नया विधानसभा जिन्होंने अपना एक लोगो अपनाया है, इसका बी आएगा। 22 का, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, ए। 23 का बी आएगा, इसने संन्यास लिया है हाल ही में, डेनियल डे रोसी, डी आएगा, इटली। 24 का, जल जीवन हरियाली मिशन ये बिहार में स्टार्ट किया गया है, 24 का ए आएगा। और रीजनिंग के ये क्वेश्चन है, इसमें जो मेरे को अप्रोप्रिएट लग रहे, जो मैंने मेरे से सॉल्व हो सकते थे, उन्हीं को मैंने इसमें किया है, तो इसमें आई थिंक ये इसमें बी आएगा, 25 का बी। इसके बाद आपका 25 का बी। 26 क्वेश्चंस जो है इसमें पी क्यू आना चाहिए, 26 का बी। 27 का बी। 28 का ए। 28 का वैसे तो ये निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है वो ए अप्रोप्रिएट लग रहा है। 29 का सी। 30 का बी। 31 का ए। 32 जो है उसका डी। 33 का ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। 34 का सी आएगा।
35 का जो है कमांड आएगा डी, 36 का बी आएगा, सी आएगा सॉरी, 36 का सी, 37 का सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर है इसमें 100% सी, 38 का जो है वो डी आएगा, 39 का डी, 40 का जो है वो सी आएगा, 41 का जेन्यून आएगा वी, 42 का सुप्रीम आएगा सिनोनिमस, और 43 का जो है वो डी आएगा, 44 का सी आएगा, 45 का बी आएगा अस्थिर स्वभाव शुद्ध इसका कार्यक्रम डी आएगा, 46 का डी, 47 का बी, 47 उच्छ्वास पूछा गया है, संधि विच्छेद है ये, तो इसका वी आएगा, 48 का पंख, पंख का पक्ष बी, 49 भंगी भंगायण ए, मतदाता का तत्पुरुष समास है 50 का ए, 51 का जो है वो डी आएगा, अमर का भाववाचक संज्ञा अमृतव, नगर का नगरतव बी, 52 का बी, 53 अनुज का उपसर्ग अन लगेगा ए, 54 का उवा प्रत्यय लगेगा इसमें डी, 55 का 15वीं जनगणना हुई है, ठीक है 15वीं जनगणना थी 2011 में, जनगण मन मूल गीत जो था बंगाली में था, 56 का सी, 57 का बी आंसर आएगा, संविधान का भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 58 का जो है इसमें से कोई नहीं, ठीक है कि किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसमें से कोई नहीं, 58 का डी, 59 का बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 60 का जो है वो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनी थी ये जो कमेटी बनी थी सेकंड प्रशासन सुधार आयोग, 60 का बी, 61 सर्वोत्तम सुशासन से रिलेटेड है, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है ये, इसका सी, 62 का जो है मैड्रास प्रेसिडेंसी में बना था, 1688 में ये जो बना था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद बॉम्बे में बना था ए, 63 का ये स्वीप आप देखते होंगे जब वोट होते हैं तो ये कंपेन चलाया जाता है स्वीप, उसका नाम है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ए इसका आएगा, 64 का डी आएगा, कृषोत्तम योजना जो है इसमें सारी की सारी चीज़ें इस शामिल है तो इसका डी आएगा, 65 का डी आएगा, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में ये दिया जाता है, 66 का 2011 और 12 का है ये WBI थोक मूल्य सूचकांक जो है, ठीक है वर्ष 2011-12 से लिया गया है, भारत के किस चर्म निर्यात परिषद जो है वो चेन्नई में है, 67 का डी, 68 का जो है फिलेटली स्टैंप इकट्ठा करने वाले को फिलेटली कहा जाता है वी, 69 का ए आएगा साइबर सुरक्षा अधिनियम ए, 70 का चेन्नई और गया दोनों में है ये सी इसका आएगा, OTA जो है आपका, 71 का जो है पढ़े भारत बड़े भारत SSA इसको चलाता है सर्व शिक्षा अभियान इसका 71 का ए, 72 शिव समुद्रम जो है वो ए इसका आएगा, जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया है शिव समुद्रम में इसको शुरू किया गया है, इसके बाद 73 जैव विविधता प्राधिकरण जो है संवैधानिक निकाय नहीं है ये वैधानिक निकाय, ये वैधानिक निकाय है ठीक है, तो 73 का सी आएगा, 74 का ये बी आएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, 74 का बी, 75 का कंपनी लॉ बोर्ड जो है अर्ध न्यायिक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है सी, 76 का अंत्योदय योजना जो है हायर सब्सिडी रेट पे दिया जाता है तो इसका 76 का डी, 77 का जो है आशा स्टैंड फॉर आशा वर्कर आपने सुना होगा भी तो ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज सी आएगा, इसको यहाँ पे भी अंग्रेजी में दिया और हिंदी वाला भी अंग्रेजी में दिया गया है ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज तो ये आएगा आपका 77 का सी, 78 का हाउसिंग 2020 तक था इसको आगे बढ़ाया गया है 2022 तक किया गया, 78 का सी ए आएगा, 79 का जो है ये 79वां जो सम्मेलन था उसको संबोधित किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में तो 79 का डी, 80 का चेन्नई बेंगलुरु गलियारा जो है वो जापान की हेल्प से बन रहा है एक वहाँ का एक
कोई संस्था है वो इसको सपोर्ट कर रही है, तो 80 का सी आएगा। 81 का जो है वो इलाहाबाद बेंच है इसकी, ठीक है, उच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद बाल श्रम के अनुसार जो है वो 14 वर्ष तक, ये 82 का जो है वो ए आएगा। 83 विविध भारती जो है वो 15 से 17 घंटे कार्यक्रम पेश करते हैं, तो 15 घंटे इसमें, तो वी इसका आएगा। 84 का आपका जो है केंद्रीय योजना निगरानी, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो इसका सी आंसर आएगा। 85 का जो है कि सांसद ग्राम योजना को इसमें किस सेवक सेवा प्रदान करता है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली, ये सभी आएंगे 85 का डी। 86 का थ्री टायर सिस्टम है, उसमें मध्यवर्ती जो है वो पंचायत समिति है, 86 का वी। 87 का ए आंसर आएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल जो है वो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का उद्योग है, 87 का ए। 88 का बी आएगा, नेहरू बंदरगाह पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है ये। 89 का केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ये कैबिनेट रैंक का ऑफिसर होता है। 89 का सी आएगा। 90 का सी आएगा, किसने भारतीय राज्यों से अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है, 15 स्टेट है ये। 91 का 2000 रुपये इसको मिलते हैं, ये आपका नेशनल यूथ अवार्ड विनिंग जो वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन होता है, 2 लाख रुपए इसको मिलते हैं। भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 हैं ये, एक खत्म कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग बना है। 93 जो है इसका आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वता क्रम में निम्नलिखित स्तर पर आता है, तो इसका सी आंसर होगा, ये 7th रैंक पे आता है आपका, जो भारत रत्न जिसको मिलता है, तो अलग अलग इसमें दिए हुए हैं, सी इसका आंसर होगा। 94 का जेपी नारायण, बी इसका आंसर होगा, मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी जीते जी दिया है, इनको भी, तो इसका बी आंसर होगा। 95 का जो है ये हस्त निर्मित मृद भांड जो है वो नियोलिथिक फेज में मिले हैं, तो इसका सी आंसर होगा। 96 का वेदों को विभाजित किया गया, तो वेदों की जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है, 96 का वी। 97 का मथुरा सूरसेन, वी इसका आंसर होगा। 98 का डी, चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के टाइम में हुई थी, और सबसे प्रसिद्ध राजा जो था मीनांडर था। 99 का ए। 100 का अजंता चित्रकला जो है वो गुप्तकाल से संबंधित है, तो 100 का वी। 101 का जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वी। 102 का दक्षिण बहमनी साम्राज्य हसन गंगू, ए। 103 का भक्ति शिवाजी का समकालीन तुकाराम था, इसका आंसर ए होगा। 104 पानीपत का जो युद्ध था 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, आप सभी जानते हैं, इसका बी आंसर होगा। 105 शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो है वो फरीद था, ये आप सभी जानते हैं, एक 105 का डी। 106 का गुरुलुखी जो लिपि था उसका आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, बी। 107 का महिला विश्वविद्यालय 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था पूना में करवे के द्वारा, इसका सी आंसर होगा। 108 का गिफ्ट, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है वो राजा राममोहन राय ने लिखी है, 108 का ए। 109 का मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, डी। 110 जो है वो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है, तो यूरेनस ये होगा, सी। 111 का जो है स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो इसका होगा बी, कायांतरित चट्टान है ये। 111 का सी। 112 का जो वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमीय घटनाएं होती है, तो ट्रोपोस्फीयर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, 112 का ए। 130 टाइफून जो है वो प्रशांत महासागर और चीन महासागर में आता है, तो इसका आंसर ए होगा, 113 का ए। 114 का डॉन्स जो है वो घास के मैदान है ऑस्ट्रिया में, डी इसका आंसर होगा। 115 उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली धाराएं जो है वो शीत धारा कहलाती है, गर्म धारा जो है वो निम्न से उच्च की ओर होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, 115। 116 का अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस है, सी इसका आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसका नाम जकार्ता है, तो बटाविया, ए इसका आंसर होगा। 117 का। 118 हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो मुंशी नदी पर है ये, ए। 119 का जो है निम्नलिखित में से कौन सी रेशा युक्त फसल है,
तो सन है ये ए। 120 कौन सी अधात्विक खनिज है, तो ये लेड होगा मेरे ख्याल से, 120 का सी, तो ये कन्फर्म नहीं है, इसको आप कन्फर्म कर सकते हैं, लेड इसका आंसर है मेरे ख्याल से। इसके बाद बोरनी ऑयल रिफाइनरी जो है वो बिहार में स्थित है, 121 का सी होगा। 122 दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो हुबली में है, दक्षिण भारत में है ये, इसका डी आंसर होगा। 123 सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है, इसका डी होगा, 123 का डी। 124 किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को के द्वारा जो है विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो इसका ए आंसर होगा 1919 में किया गया, 124 का ए आंसर होगा। 125 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, 69 अमेंडमेंट एक्ट था ये, 125 का सी आंसर होगा। 126 किस निम्नलिखित में से किस कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति ये बुलाता है, 126 का ए। 127 कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है, तो शीतकालीन सेशन जो है विंटर सेशन जो है सबसे छोटा होता है, 128 का बी। 129 भारत संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है, तो ये मेरे ख्याल से जो है ये चला था महाभियोग लेकिन ये पूरा नहीं हो सका था, तो शून्य इसका आंसर होना चाहिए, एक के ऊपर चला था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसका डी आंसर होगा, 129 का डी। 130 निम्नलिखित में से किसने प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है, तो राज्यपाल इसको बनाता है, और राज्यपाल को अगर ये लगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना है तो वो मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो राज्यपाल यहाँ पे आंसर आएगा, 130 का सी। 131 कौन सी सबसे छोटी विधानसभा की सबसे कम सीटें किस राज्य में है, तो सिक्किम में है ये, 131 का ए। 132 मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की अवधि क्या है, तो इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल इसका होता है, तो इसमें से कोई नहीं आएगा, डी आंसर इसका है, 132। 133 भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र में फॉरेस्ट्री प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज से हम डायरेक्टली जो है वो कुछ बेनिफिट गेन करते हैं, तो ये ए इसका आंसर होगा। 134 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सर्वाधिक कृषि के ऊपर फोकस किया गया था, 134 का ए। 135 का रजत क्रांति जो है वो दूध अंडे से संबंधित है, सिल्वर रेगुलेशन, डी इसका आंसर होगा। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक को सबसे पहले कहा जाता था, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, 1935 में इसका नाम बदला गया, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, 136 का बी। 137 का महाविभाजन काल जो है वो 1921 को कहा जाता है, सी इसका आंसर होगा। 138 रेबिज जो है वो वायरस से होती है, एनिमल से होता है ये, सी इसका आंसर आएगा। 139 क्विनिन जो है वो धतूरा एक पौधा होता है उससे निकलता है ये, 139 मलेरिया में ये सहायक होता है, इसकी जो औषधि है, 139 का ए। 140 किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, सोयाबीन, डी इसका आंसर होगा। 141 बेकरी में ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ये आपका ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, तो इसका जो आंसर है वो सी, 141 का जो आंसर होगा वो सी आंसर इसका होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 142 पांडा किसके समान कुल का है, तो भालू के कुल का है, 142 का सी। 143 संजीवों के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, कोश है इसका सेल, ए, 143 का ए। 144 दांत और हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, ये कैल्शियम करता है, ए, जैसा कि आप पढ़ते रहते हैं। 145 जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है, सेलुलोज है इसका आंसर, 145 का सी आंसर आएगा। 146 शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के रोगों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका आंसर सी होगा। 147 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, इसका है एरोटा,
महाधमनी, ए इसका आंसर होगा 147 का ए। 148, मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, तो ये किडनी करती है, फिल्ट्रेशन का जो कार्य है, 148 का ए आंसर आएगा। 149 का जो है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से गोइटर रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, तो इसमें से कोई नहीं, 149 का डी आंसर। 150, कौन सा द्रव्य की वाष्पन दर सर्वाधिक होती है, तो अल्कोहल अगर तो प्योर है तो अल्कोहल की होगी, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल प्योर नहीं है, ये नहीं दिखाया गया है, तो पेट्रोल इसका आंसर आएगा। 150 का आंसर जो है वो सी आएगा, सभी रंगों को परावर्तित करता है। 152 का अभी इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन 152 का सी आएगा। 153 का जो है वो आर्गन आएगा, विद्युत बल्ब में कौन सा के अंदर क्या भरा होता है, तो आर्गन इसमें भरा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द वायुमंडल दबाव, एटमोस्फियर प्रेशर, इसका 154 का सी आएगा। 155 का जो है, इस सभी में आपका जो है रेडियम में, प्लूटोनियम में, यूरेनियम में होता है, लेकिन सी इसका आंसर आएगा, इसमें ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। 155 का सी। 156 का ए आएगा, जस्ते पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो ग्लेबनाइजेशन कहलाती है, 156 का ए। 157, कोका कोला का खाद्य का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण, 157 का ए। 158 का जो है वो जास्कर श्रृंखला जो है, ये जो है वो सुदूर हिमाचल की जो श्रृंखला है, जास्कर है, 158 का डी। 159 का कालिदास ने देवात्मा हिमालय को कहा है, 159 का बी। 160 का नए हिमाचल में सारे के सारे स्टेट आएंगे, इसका डी आएगा। 161 का चीनी आते हेनसांग ने किस झील को लोहित सरोवर कहा है, चंद्रताल को, क्योंकि वो लाहौल स्पीति उस साइड से आया होगा, तो चंद्रताल। 162, हारला हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्यास की है ये, 162 का ए। 163, धार झंझियार का किला जो वो कहानचंद ने बनाया था, महानचंद नहीं होगा, कहानचंद बिलासपुर का ये राजा था। 164, गोरखों के विरुद्ध हिंडुर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो डेविड ऑक्टलोनी था ये, ए आंसर आएगा इसका। 165, चंबा के किस शासक ने चूहों को मारने की रोक लगाई थी, तो मूषण बर्मन ने लगाई थी, तो इसमें से कोई नहीं, 165 का डी। 166, देवर सिद्ध गुफा जो है ये हमीरपुर में है, 166 का सी आंसर आएगा। 167, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जासवान राज्य की स्थापना की गई थी, तो ये पूर्वचंद के द्वारा की गई थी, 167 का ए। 168 का, किन्नौर जिले का कौन सा फूलों का त्यौहार है, उखियांग, ए इसका आंसर आएगा। 169, गरजा ये काफ़ी ये नहीं मिल रहा है, तो ये लोक नृत्य भी हो सकता है, लोकगीत भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो ये लोक नृत्य होना चाहिए, ठीक है, तो दो में से एक हो सकता है ये, 169 का भी। 170 जो है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है, तो जैसा आपको बता है कि वहाँ पे रॉक साल्ट है, तो बी इसका आंसर आएगा। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि एक्यूरेट आंसर आपको मिल सके, इतने डिटेल से डिस्कशन करने का टाइम नहीं था, क्योंकि 170 क्वेश्चन इसमें से। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो भी आने वाले समय में टेस्ट होंगे, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या दूसरे जो टेस्ट होंगे, उनके ऊपर मैं इस तरह के वीडियो जो हो वो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।